श्रद्धालुओं में गणपति विसर्जन का महत्व। पीतल नगरी देश भर में गणपति का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने के लिए किसी भी शुभ कार्य में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी का त्योहार मन और लगन के साथ मनाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए हर शुभ काम करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी पर लोग अपने घरों से गणपति की स्थापना करते हैं और तीसरे पांचवें दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार 10 दिन में विसर्जन करते हैं। स्थापना के साथ साथ विसर्जन का भी शुभ मुहूर्त और पूजा विधि होती है। विसर्जन के दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ आरती करते हैं। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है, जिसके बाद में परिवार के सदस्यों को दिया जाता है। विसर्जन उपरांत पूजा से शुरू होता है। इसमें गणपति को 5 चीजें दीप, फूल, धूप, सुगंध और नैवेद्य दिए जाते हैं। विसर्जन के समय घर से निकलने से पहले परिवार के सभी लोग आरती करते हैं। आरती और प्रसाद के बाद परिवार एक सदस्य एकदम धीरे धीरे गणपति जी की मूर्ति को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। ऐसा घर से निकलने से 5 से 10 मिनट पहले किया जाता है। ऐसा करना गणपति को इशारा करता है कि अब विसर्जन का समय आ गया है।